ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण ट्रेन दुर्घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई दिल दहला देने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। 3 ट्रेनों की भिड़न में जानमाल का काफी नुकसान हुआ और हजारों लोग घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार इस विनाशकारी हादसे में कम से कम 288 लोगों की जान चली गई। यह दुर्घटना पिछले 2 दशकों में देश में सबसे घातक रेल दुर्घटनाओं में से एक है। इस बीच एक कथित वीडियो सामने आया है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह घातक ट्रेन दुर्घटना से चंद सेकंड पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस के अंदर है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सफाई कर्मचारी ट्रेन की एक एसी कोच के फर्श पर पोछा लगा रहा है, जबकि कोई पैसेंजर उसका वीडियो शूट कर रहा है। इसी दौरान अचानक से ट्रेन में सब कुछ उलट पलट जाता है। दावा किया जा रहा है कि यह कोरोमंडल एक्सप्रेस के अंदर का असली वीडियो है। अचानक से झटका लगने पर वीडियो शूट करने वाले का संतुलन बिगड़ जाता है और उसका फोन हाथ से छूट कर नीचे गिर जाता है। इसके बाद से ट्रेन में अचानक से अंधेरा छा जाता है और फिर यात्री चीखने लगते हैं। हालांकि इस वीडियो की सच्चाई आना भी बाकी है। वीडियो में यात्रियों की साफ तौर पर चीख पुकार सुनाई दे रही है। वीडियो में आ रही आवाज को आप सब सुन सकते हैं जिसमें लोग चिल्ला रहे हैं।